हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम में चौथे स्कंद में एक प्रतीकात्मक रूप से मन किस तरह से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके बारे में वर्णन हो रहा है। मैं ये प्रवचन तीन पॉइंट लूँगा सबसे ओवरऑल। सबसे पहला कि ये प्रतीकात्मक रूप से शिक्षा किस तरह से हमें समझनी चाहिए। दूसरा है कि इस उपमा में मन का क्या महत्व बताया गया है, और इस उपमा के आधार पर तीसरा कि हम मन को नियंत्रित करने के लिए क्या हमारे जीवन में सीख सकते हैं। जो आध्यात्मिक सत्य होते हैं या कोई भी सूक्ष्म सत्य होते हैं उनको समझना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसीलिए उदाहरण उपमाएं आदि जाती हैं। और जब हम उदाहरण या उपमा देते हैं उसमें क्या है, एक चीज़ को हम दूसरे चीज़ से तुलना करके उसका महत्व बताते हैं। जैसे अगर कहते हैं टाइम इज़ मनी, समय ये पैसा है। अभी वास्तव में समय और पैसा लिटरली एक समान नहीं है, पर क्या उसे भाव है वो दोनों हमको देखना है। कि समय इसे जैसे हम पैसे का मूल्य ध्यानपूर्वक रखते हैं, वैसे पैसे का भी मूल्य हमें ध्यानपूर्वक ऐसे समय का भी हमें मूल्य ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। तो उस दोनों में जब दो अलग चीज़ों की तुलना की जाती है तो उसमें एक उद्देश्य होता है, एक कॉमनैलिटी होती है, और वो जो समानता है उसकी ओर जोर देंगे तो फिर हमें इस तुलना से क्या बताया जा रहा है वह समझ सकते हैं। तो जब व्यक्ति किसी चीज़ की किसी चीज़ से तुलना भी करता है तो वह उससे अगर आप किस प्रकार से तुलना करते हो इससे लोगों का भाव भी प्रभावित हो सकता है। मान लीजिए अगर कोई बहुत गरीब व्यक्ति, अभी अमेरिका में एक बहुत बड़ा ये उपद्रव हो रहा है कि बहुत से लोग साउथ अमेरिका से मेक्सिको के अमेरिका में आ रहे हैं, और अमेरिकन सरकार या खास करके कुछ लोग बड़े चिंतित हैं कि ये लोग आ जाएंगे हमारे सारे नौकरियां ले लेंगे, और उसके कारण कई भारतीय लोगों को भी परेशानी हो रही है क्योंकि अमेरिका ने इमिग्रेशन के रूल्स काफ़ी बड़े कठिन बना दिए। तो अभी जब जो लोग अमेरिका में आ रहे हैं दक्षिण अमेरिका से, तो ये लोग अभी काफ़ी लोग गरीब होते हैं, जो भारतीय आते हैं साधारणतः काफ़ी शिक्षित होते हैं और वो थोड़े अपर लेवल का इनकम का जॉब्स मिलता है उनको। जो अभी जो गरीब लोग आ रहे हैं उनको कोई कह सकता है अभी वो गरीब है, यह तो सत्य है, पर उसकी तुलना कर सकते हैं कि ये लोग जो है कुत्तों के समान हैं, ये लोग जानवरों के समान हैं, ये लोग चोरों के समान हैं। तो अभी क्या है, वो लोग गरीब हैं, पर उसके बाद किसी को बोलना है कि लोगों को आने देना चाहिए तो इस प्रकार की तुलना हो जाएगी। तो कोई कह सकता है ये लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, पीड़ित हैं, ये लोग जैसे कोई रेगिस्तान में पानी मांग रहा है वैसे हमसे आश्रय मांग रहे हैं। तो क्या जिस प्रकार की हम तुलना करते हैं उससे व्यक्ति की भावना हो जाती है वो। तो हाँ, जिस प्रकार जो तुलना इस्तेमाल होती है प्रतीकात्मक, वास्तव में हम जब बात करते हैं तो ऐसे जो भाषा सिखाते हम लगभग हर 10 वाक्यों में एक तुलना इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लगभग 2-3 वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग 15-20 वाक्यों में करते हैं, पर हम कई जगह पे तुलनाएं करते रहते हैं, और ये तुलनाओं के द्वारा ही हम जो है एक दूसरे से हमारी भावनाएँ हमारे विचार समझा सकते हैं। तो शास्त्रों में भी ऐसे इस तरह तुलनाएँ अनेक आती हैं, पर जब एक तुलना विस्तारित रूप से होती है तो फिर वो क्या होते हैं, प्रतीकात्मक रूप से समझाया जाता है। तो हमारे अंदर जो हो रहा है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, अलग अलग प्रकार की भावनाएं हैं, इन सब को समझना काफ़ी मुश्किल होता है। एक पाश्चात्य वैज्ञानिक था, उसने कहा कि मैं मन का अध्ययन नहीं करूँगा क्योंकि मन कहाँ है ये पता ही नहीं है हमको। तो अभी साइकोलॉजी जो होता है पहले उसका परिभाषा थी कि मन के बारे में समझना, मन के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, पर क्योंकि विज्ञान कहता है कि मन कहाँ है, वो शरीर में कहीं मन दिखता ही नहीं है, तो इसीलिए भी साइकोलॉजी का उन्होंने परिभाषा ही बदल दी है। वो कहते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर,
लोग कैसे वार्तालाप करते उसका अध्ययन। तो क्या है कि जब हम जैसे सूक्ष्म चीज़ें होते हैं उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है, तो कुछ लोग वो समझने का प्रयास ही छोड़ देते हैं, छोड़ दो ज़रूरत ही नहीं है। पर क्या है, हम भले ही मन को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, फिर भी मन हमको तो प्रभावित करते ही रहने वाला है। इसीलिए मन को समझना ज़रूरी है। वी मे फॉरगेट द माइंड बट द माइंड विल नॉट फॉरगेट अस, कि हम मन को भूल जाएंगे पर मन हमको भूलने वाला नहीं है। मन हमको भुला देगा बहुत सी चीज़ें पर वो भूलेगा नहीं हमको। तो इसीलिए मन को समझना ज़रूरी है। तो शास्त्र में उपमाएँ जो दी है, अभी यहाँ पे एक उपमा है जिससे पूरे शरीर या मानव के भौतिक अस्तित्व के बारे में वर्णन हो रहा है, और उसमें से बताया जा रहा है कि मान लीजिए कोई राजा है, कोई राज्य है, उसमें एक शहर है, राजमहल है, या शहर में कोई उसमें पुलिस है, गार्ड्स है, सेवक है, और वहाँ पे उनका एक प्रधान सेवक है। तो अभी जैसे अगर कोई बॉर्डर है, बॉर्डर से कोई चोर वगैरह आने वाले हैं या कोई डकैत आतंकवादी आने वाले, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि सैनिक या गार्ड तैनात होते हैं कि देखने के लिए कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए। तो उसको सिक्योरिटी के लिए होता है, संरक्षण के लिए। तो उसी तरह से क्या है, हमारा अस्तित्व है तो हमारा एक शरीर है, और बाहर की दुनिया से क्या अंदर आना चाहिए और क्या अंदर नहीं आना चाहिए, इसके लिए हमारे जो जगह है, जैसे क्या होता है कि अगर एक राज्य है दूसरा राज्य है, उसके बीच में बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं या बड़े बड़े बड़ा सागर है या बड़ी नदी है, तो उससे पार करना मुश्किल होता है। तो कुछ कुछ जगह ऐसे होते हैं वहाँ से पार करना, एक देश दूसरे देश में जाना आसान होता है। तो उसी तरह से हमारी जो बाहर की दुनिया है और हम हैं, तो इसमें जो आदान प्रदान होता है वो प्रधान रूप से इंद्रियों से होता है। अभी हम कई इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे अभी हम बैठे हैं तो हम किसी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, अरे कुर्सी ठंडी है, कुर्सी गर्म है, तो हम शरीर से पूरी त्वचा से भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं, पर अधिकांश जानकारी जो है हम आँखों से और कानों से प्राप्त करते हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, भगवान जब पहले बताते हैं सबसे इंद्रियों के बारे में बताते हैं, सबसे पहले श्रोत्र और चक्षु बोलते हैं। तो इनसे क्या है, क्या जानकारी अंदर आनी है, जैसे कोई भी बॉर्डर होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं, क्या अंदर आता है और क्या बाहर जाता है, जैसे राष्ट्र में होता है उसी तरह से क्या है कि क्या अंदर, क्या जानकारी अंदर आनी है ये ज्ञान इंद्रियां निर्धारित करती है, और क्या बाहर जाना है वो अधिकांश रूप से कर्मेंद्रियां निर्धारित करती है। पर यह जो है, हम कोई भी ऐसे विभाजन करते हैं, वह विभाजन जो होता है ब्लैक एंड वाइट नहीं होता कभी। मतलब क्या कि अगर हम नकाशे पे देखेंगे, ठीक है ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, पर अगर हम जाएंगे बॉर्डर पे तो अभी बॉर्डर पे ये क्या, ये पाकिस्तान में, ये भारत में है। ऐसे नहीं कि हर जगह पे बॉर्डर पे एक दीवार होगी, बड़ा इम्प्रैक्टिकल, ऐसे नहीं होता है। तो जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं, कोई विभाजन करते हैं, तो उसमें कई बार ऐसे अपवाद होते हैं। जैसे हम कहते हैं कर्मेंद्रिया जो है वो क्या है, हाथ है, पैर है, जिह्वा है, पर एक तरह से हम आँखों से भी कर्म करते हैं। किसी कुछ करने का बोलना होता है, अगर दो व्यक्ति एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं तो फिर दूसरा एक व्यक्ति दूसरे को कुछ करने को बोलना चाहता है, सिर्फ आँखों से देखता है, कुछ बोलता है, समझ जाता है दूसरा व्यक्ति मुझे ये करना चाहिए। तो क्या है, हम ज्ञानेंद्रियों से भी थोड़ा कर्म कर सकते हैं, कर्मेंद्रियों से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई अच्छी वस्तु है, कोई बैग है उठाना है, तो छोटा सा बैग लगता है तो फिर आसानी से उठा लेंगे लगता है हमको, पर उठाए जाते हैं तो फिर पूछे क्या इसमें पत्थर रखे है क्या तुमने, इतना वजन कैसे हो गया इसका। तो तभी हमने उसकी जो जानकारी कैसे प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया है, सिर्फ आँखों से नहीं, हमारे हाथों से उठा के। तो ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का विभाजन जो है ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है, कि हम ज्ञानेंद्रिय से भी कर्म करते हैं और कर्मेंद्रिय से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई एयरपोर्ट होगा तो उसमें हवाई अड्डा होगा, वहाँ पर एक एंट्री होता है और एक एग्जिट होता है। तो साधारणतः एक जगह से अंदर आएगा, दूसरी जगह से बाहर जाएगी, पर कभी जहाँ बाहर के दरवाजे से कोई अंदर आ सकता है और अंदर आने के दरवाजे से कोई बाहर जा सकता है। तो एक साधारण पद्धति है पर उसका अपवाद भी होता है। तो ये जो हमारे अंतरंग हमारे अंदर जो कुछ भी है उसकी तुलना एक इलाके से यहाँ पर की गई है, और इलाके से तुलना करने का उद्देश्य क्या है कि कैसे कार्य होता है हमारे अंतर में, यह समझना। और मान लीजिए अभी कोई
एयरपोर्ट में सिक्योरिटी है जहाँ पे वो इंचार्ज यहाँ पे इसको आना देना है, किसको आने देना है, किसको जाने देना है, वो उसको निर्धारित कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ सिक्योरिटी के लोग होते हैं पर उनका एक बॉस होता है, और अगर कुछ समस्या आ जाए तो बॉस को बुलाते हैं, या जो साधारण भी कार्य करना है वो बॉस के निर्धारण में ही कार्य होता है उनके। तो उसी तरह से जो हमारे इंद्रियां हैं उनका जो बॉस कौन है, मन है। तो अभी जो मन है वह निर्धारित करता है कि बाहर से हम जो अभी जो जानकारी हमें प्राप्त कर सकती है उसमें से कौन सी जानकारी अंदर जाएगी और कौन सी बाहर जाएगी। तो ये भी मैं दूसरे पॉइंट पे आ गया। पहला पॉइंट ये था कि हम उपमा हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं कि, और यहाँ पे शरीर की तुलना जो है हमारे शरीर और हमारे आत्मा के भौतिक अस्तित्व की तुलना जो है एक इलाके से की गई है। तो यहाँ पे भी इस तुलना में हम मन की क्या भूमिका है, कैसे है, समझ सकते हैं उसको। तो अभी जब हम किसी जब हम अभी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इस समय वास्तव में हमारे आँखों को ही देखे, मान लीजिए अभी मन तो हम कान से सुन भी रहे हैं, नाक से सूंघ भी रहे हैं, पर हम आँखों को ही देखेंगे। तो आँखों से भले ही आप मेरी ओर देख रहे हो तो ऐसे नहीं कि हम एक चीज़ को ध्यान देते हैं। वास्तव में कैसे होता है कि कई चीज़ों का ध्यान दे सकते हैं। अभी मैं आपकी ओर देख रहा हूँ, बात करते समय आप मेरी ओर देख रहे हैं, पर मैं आप में से शायद किसी एक की ओर देखते रहूँगा, ऐसे भी हो सकता है। मैं एक प्रवचन में था तो वहाँ पर जो वो वक्ता थे वो क्या करते थे, जो बोला वो बताते थे, वो सबसे सामने उनको जो बैठा था उसकी ओर ही पूरे प्रवचन में देखते रहते थे। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उनके सामने कोई भी बैठ नहीं रहा था तो सब बाजू में बैठ रहे तो भी क्या होता है, जो वक्ता होता है इस तरह से एक फ़ैन के समान होना चाहिए, फ़ैन जैसे घूमते रहता है सब जगह पे। अगर फ़ैन का हवा एक ही जगह पे आने लग जाएगा तो वहाँ पे ठंडी हो जाएगी, बाकी सबको गर्मी हो जाएगी तो वैसे जो वक्ता होता है एक ही व्यक्ति की ओर देखते रहता है तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, मेरी ओर क्यों देख रहे हैं, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, और फिर दूसरी की ओर देखते ही नहीं है तो उनको लगता है क्या ये हमसे बात कर रही है, हमको हम यहाँ पे आए क्यों हैं फिर। तो इसलिए क्या है कि अभी जब हम देख भी रहे हैं तो हम एक समय में कई चीज़ें देखते रहते हैं। तो अभी मैं आपको देख रहा हूँ तो आप में से क्या कौन क्या कर रहा है, अभी आप मेरी ओर देख रहे हैं तो शायद मैं मेरी हाथों की ओर देख सकते हैं, मेरे चेहरे की ओर देख सकते हैं, जैसे सामने ये लैपटॉप है उसकी ओर देख सकते हैं, कई चीज़ों की ओर देख सकते हैं। तो क्या है, जो हमारा मन है वह फैसला करता है कि हमारे आँखों में जो भी जानकारी आ रही है उसमें से किस पे हम फोकस करना है। जैसे अगर आपको सेल्फ फ़ोटो निकालना है तो फोटो, अगर दूर से कुछ फ़ोटो निकालना है तो क्या होता है, उसको फ़ोटो को आप उस दिशा में रखते हैं क्या फ़ोन को, पर उसके बाद में उसको फोकस करते हैं। जब फोकस करते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ ब्राइट हो जाती है, वो चीज़ और क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, फिर वो देख सकते हैं। तो जो आँखें जो है वो एक कैमरा के समान है, पर जो मन है वो फोकस करता है, किस पे फोकस करना है। जो जब फोकस होता है तो वो और स्पष्ट दिखता है और बाकी सब जो चीज़ें हैं वो अस्पष्ट दिखने लगती हैं। तो और उसी परिस्थिति में वही चीज़ लोग देख रह सकते हैं, 10 लोग एक ही चीज़ को देख सकते हैं पर 10 लोगों का मन अलग अलग जगह फोकस दबा सकता है। तो इसीलिए सब लोग एक चीज़ नहीं देखते हैं भले ही वो एक ही चीज़ देख रहे हैं। तो हमारा मन फैसला करता है कि हम किस चीज़ को पहले देखेंगे और किस चीज़ की ओर ध्यान देंगे। ध्यान देना मतलब क्या है कि जिस तरह से अभी किसी चीज़ को कोई बॉस फैसला करता है, पॉलिसी बनाता है कि अच्छा इन लोगों को अंदर आने देना है, इन लोगों को अंदर आने नहीं देना है, तो उस तरह से किसकी ओर ध्यान देना है किसकी ओर ध्यान नहीं देना है ये मन फैसला करता है। और ये जो मन है यह किस आधार पर फैसला कर सकता है, करता है साधारणतः वो मन होता है उसमें दो चीज़ें होते हैं, संस्कार इम्प्रेशंस एंड इमोशंस भावनाएं। तो अभी ये दोनों संबंधित है पर इन दोनों के आधार पर मन फैसला करता है। अगर मान लीजिए किसी जगह पे जाता है और उसको पेंटिंग में बहुत रुचि है तो मंदिर में भी आएगा, देखा ये कहाँ पे, यहाँ पे ऐसा पेंट लगाया है, वहाँ पे वैसा पेंट लगाया है,
यहाँ पर जो पेंट लगा ये काफ़ी आकर्षक है, ये इतना आकर्षक नहीं है, तो शायद भगवान को देखेंगे भी नहीं, वो जो है पेंट को ही देखेंगे। ये क्या है कि उनके मन में वो इम्प्रेशंस हैं। तो क्या है कि हमारा, हम सब का मन किसी न किसी चीज़ पे फोकस कर देता है। तो जैसे जो सेवक होते हैं वो उनका बॉस जैसे बोलेगा वैसा करते हैं, तो अधिकांश रूप से इंद्रियां उसी चीज़ों की, उन्हीं चीज़ों की ओर ध्यान देते हैं जहाँ पे मन जोर देता है। तो इसलिए जो मन है वह उसको नियमित करना, उसको नियंत्रित करना, मन को उस जगह पे ध्यान देना चाहिए जहाँ पे हम ध्यान देना चाहते हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वह जब होता है तभी हम अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। तो अगर कोई क्लास में आके बैठता है तो मन का ध्यान कहीं और जाता है, तो फिर क्लास में क्या बोल रहे हैं हम सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे एक तरह से एक हायरार्की, एक तारतम्य आ गया है। कैसे? इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर मन है, और मन के ऊपर बुद्धि है, आत्मा है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सः। कि जो शरीर है वो जड़, भौतिक तत्व है वो जड़ है, उसमें इनके ऊपर इंद्रिया है, इंद्रियों किसी चीज़ की ओर आकर्षित हो जाती है, फिर इंद्रियों के ऊपर मन है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः, मन के परे बुद्धि है और बुद्धि के परे आत्मा है। यो बुद्धे परतस्तु सह। तो अभी ये जो कैसा है कि अगर हम वही इलाके का उदाहरण लेते हैं, तो फिर जब भी कोई कंपनी होती है काम करते हैं उसमें एक हायरार्की होता है, तारतम्य होता है कि ठीक है इस व्यक्ति का ये बॉस है, पर इस बॉस का भी ये बॉस है, इस बॉस का भी ये बॉस है। तो अभी क्या होता है, एक थेरोटिकली एक तत्व के स्तर पर जो होता है, जो ऊपर के पद पर बैठा है उसकी ज़्यादा शक्ति होती है। जो अभी कोई डिपार्टमेंट हेड है उसके ऊपर कोई प्रेसिडेंट है, तो ये कमेटी मेंबर, मैनेजमेंट कमेटी मेंबर, उसके ऊपर प्रेसिडेंट है, तो ये एक हायरार्की है। पर यद्यपि जो प्रेसिडेंट है सबसे ऊपर है और जो कुछ डिपार्टमेंट है उससे, डिपार्टमेंट हेड है उससे नीचे है, पर कई बार जो प्रेसिडेंट निर्णय लेते हैं वो जो उनको जानकारी मिलती है उसके अनुसार ही लेते हैं। अच्छा, जो जानकारी है वो डिपार्टमेंट हेड ही देते हैं उनको। तो क्या होता है कि आत्मा मन से ऊपर है, पर क्या है कि जब आत्मा एक तरह से मन का नियंत्रण कर सकता है, पर आत्मा तभी नियंत्रण कर सकता है जब उसको सही जानकारी मिलती है। पर अगर मन ही गलत जानकारी देता है तो क्या होता है, आत्मा गलत फैसला कर लेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये लीगल टर्म है, पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति की कोई जायदाद है, कोई बिजनेस धंधा है, पर वो वहाँ पे नहीं है अभी, वो व्यक्ति कहीं और चला गया है, तो फिर उसने अपने वकील को बोल दिया है कि तुम संभालो, क्या कुछ एग्रीमेंट साइन करना है, कुछ पैसा ले देना करना है, वो तुम मेरी ओर से साइन कर दो, तो उसको उसने अभी ऑथराइज कर दिया है। जब इस तरह से वो करता है व्यक्ति, तो अगर जिस वकील को उसने ऐसी जिम्मेदारी दी है, अगर वो वकील विश्वास का पात्र नहीं है, तो अगर वो वकील बोलता है खेरे आपका जो आपने जो स्टॉक आपने ये ज़मीन खरीदी थी, ये घर खरीदा था, पर उसकी अभी सारे वो शायद अमेरिका में व्यक्ति है और यहाँ पर उनका घर इंडिया भारत में है, और वो कहता है कि एक्चुअली इसका घर की कीमत बहुत कम हो गई, अभी बहुत कम हो गई है, अभी आप बेच दो, अगर बेचोगे नहीं तो और कम हो जाएगी उसकी कीमत और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी हो सकता है कि ये ऐसे व्यक्ति, वास्तव में एक भक्त अमेरिका थे, बता रहे थे मुझे ऐसे हुआ था उनके साथ, कि उनकी एक बड़ी प्रॉपर्टी भारत में थी और उनका वकील उनको बोला था अभी सारे क्या है प्रॉपर्टी के प्राइसेस क्रैश हो गए हैं और अभी आपको कुछ मिलेगा, जल्दी से आप बेच दो। तो वो बेचने वाले थे, तभी उन्होंने क्या किया कि बेचने के पहले उनका एक मित्र था, जो अभी ये इंटरनेट के पहले की बात है, अभी इंटरनेट आ गया तो हम गूगल पे जानकारी प्राप्त कर सकते थे काफ़ी हद तक, पर उसके पहले 8-10 साल 7-8 साल पहले की बात है, तो उन्होंने अपने एक मित्र को उसी जगह पे भेजा और उसको बोला कि तुम जांच करो क्या ये प्रॉपर्टी की कीमत इतनी कम हो गई है। और जब उनको पता चला कि वास्तव में कीमत कम नहीं हुई है, वो क्या कर रहा था वकील, वो वास्तव में अपने लिए पैसे बना रहा था और उनको बताने वाला था
कि ये ऐसा 10 लाख की प्रॉपर्टी है और उसको 5 लाख ही मिलने वाला है और 5 लाख खुद लेने वाला था। तो क्या है, जिसको वकील को हम जिम्मेदारी देते हैं अगर वो विश्वास पात्र नहीं है तो हम फंस जाएंगे हम। उसी तरह से क्या है कि हमारा मन जो है, हम मन के द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं इस भौतिक जगत, पर मन जो है हमको पूरी जानकारी नहीं देता है। कोई इंद्रिय तृप्ति के विषय होते हैं, ये बहुत आकर्षक है विषय, ये चीज़ इतनी आकर्षक, भोग करो इसका। हाँ ठीक है, थोड़ा सा भोग हो सकता है उसमें, पर क्या है, शुरुआत में थोड़ा भोग है। यद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव, शुरू में थोड़ा भोग है, थोड़ा अमृत है, पर बाद में वो जहर के समान है। तो यह जो है मन है, हमको सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन इज ऑफन डिसेप्टिव इन्फॉर्मेशन। कोई एक ही चीज़ बताता है, पूरी बात बताता नहीं है, तो क्या है कि वो उसे गुमराह करता है। तो हमारा मन इस तरह से हमें गुमराह करते रहता है, वो सही जानकारी हमें देता नहीं है, कुछ थोड़ी आधी जानकारी देता है, अरे ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, इस तरह से बोलते रहता है। तो इसलिए क्या है कि इस तुलना के आधार पर पूरा जो भाव बताया गया है मन के बारे में, कि मन पर हम यकीन नहीं कर सकते। तो अभी फिर इसके विपरीत, अगर इसको हम मन से खुद को बचाना है या मन के द्वारा फंसना नहीं है तो क्या करना है हमें, तो वो हमारा तीसरा पॉइंट है। अभी क्या है कि जैसे उपमा बताया कि इस व्यक्ति ने जाकर किसी और से पूछा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सही में ज़मीन की कीमत कम हो रही है। तो उसी तरह से क्या है कि हम दुनिया के बारे में जानकारी हमारे मन से प्राप्त करते हैं, वो स्वाभाविक है, पर हम केवल मन पे निर्भर नहीं रह सकते। तो जैसे होता है कि किसी का बहस हो जाता है, दो लोग तो बहस हो गया, तो अभी अध्यक्ष है, उनको कुछ फैसला करना है, क्या करना है इसके बारे में। अगर वो सिर्फ एक ही पक्ष की बात सुनते हैं और फैसला कर लेते हैं, फिर क्या होगा, दूसरा पक्ष जो बोल रहा है उसके प्रति कई बार एक अन्याय हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि हमारे मन एक प्रकार की कहानी हमें बताता है। अभी ऐसे नहीं कि मन जो बोलता है हर चीज़ वो गलत ही होता है, पर कई बार मन जो बोलता है वह आधा सत्य होता है और उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताई नहीं जाती है। तो इसीलिए हम मन से तो देखे बिना रह नहीं सकते, क्योंकि मन तो हमें मन ऐसा है कि वो ज़रूरी ही है। मन से ही हम इंद्रियों का काम कराते हैं, इंद्रियों की जानकारी मन में ही आती है, पर क्या है मन के अलावा हमें कहीं और से भी ज्ञान प्राप्त करना है, और वह है गुरु साधु शास्त्र। तो जिस हद तक हम शास्त्रों से ज्ञान श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, मनन करते हैं उसका, तो फिर उससे क्या होता है कि वी गेट एन अल्टरनेटिव टू द माइंड, कि मन ऐसे कह रहा है तो शायद ऐसे भी हो सकता है। तो अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो फिर उससे क्या होता है, न केवल हम मन जो बता रहा है वो देखते हैं, पर हम मन की ओर भी देखते हैं, और मन क्या सही बोल रहा है, क्या विश्वास पात्र है या विश्वास पात्र नहीं है। तो उसमें इस तरह से जब हम सतर्क हो जाते हैं तो फिर उससे क्या होगा, जो मन के द्वारा हम बहके नहीं जाएंगे, मन के द्वारा उतना गुमराह नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें शास्त्रों के द्वारा अध्ययन करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, भक्ति का अनुशीलन करना है, इसके द्वारा हम धीरे धीरे हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को, हमारे मन को थोड़ा दूरी से देख सकते हैं। हमारा मन अंदर है हमारे, पर जितना हम समझ पाएंगे कि वास्तव में जो मन जो कह रहा है वह मेरी इच्छा नहीं है, मन अपने आप ये कह रहा है, मुझे इसका जांच करनी चाहिए। तो इंग्लिश में हम कहते हैं कि वी नॉर्मली लुक विद द माइंड बट वी नीड टू लुक एट द माइंड। लुक विद द माइंड मतलब जो मन दिखा रहा है वो देखते हो, जो कैमरा में, जैसे मान लीजिए कैमरा है उसमें ये जूम हो रहा है तो वो दिख रहा है, पर ठीक है ये जूम हो रहा है पर ये भी महत्वपूर्ण है, इसको देखा ही नहीं है, तो ये व्यक्ति वो क्यों दिखा रहा है मुझे, शायद ये भी देखना ज़रूरी है। तो डोंट जस्ट लुक विद द माइंड, लुक एट द माइंड, न केवल मन के साथ देखो पर मन की ओर देखो। मन की ओर देखो मतलब मन को समझो, मन किस तरह से कार्य करता है। तो कोई व्यक्ति होते हैं उनको बहुत गुस्सा आ जाता है आसानी से, तभी ऐसे व्यक्ति जो होते हैं तो उनको लगता है ये व्यक्ति ने ऐसे क्यों किया, ये व्यक्ति इसलिए ऐसे किया क्योंकि ये मुझसे ईर्ष्या करता है, ये मुझसे नफरत करता है,
और इसीलिए मैं उस पर क्रुद्ध हो जाऊँगा. पर रुको रुको, क्या सही में वो ईर्ष्या करता है, सही में नफरत करता है? जब हम समझ जाते हैं कि मेरा मन क्रोधी है, तो फिर इसका मतलब नहीं कि मैं क्रोधी हूँ. मेरे मन में क्या होता है, क्रोध जल्दी आ जाता है, जानकारी थोड़ी सी प्राप्त हो जाती है, उसके आधार पर उनको हो जाता है, ठीक है. पर ये क्रोध मुझे नहीं आया, मेरे मन को आया है, ठीक है. ये क्रोध मैं आया है स्वीकार करता हूँ, पर उस क्रोध पे मैं तुरंत कार्य नहीं करूँगा, इसको मैं प्रोसेस करूँगा, इसको मैं थोड़ी जाँच करूँगा, इवेल्युएट करूँगा. और यह करना आसान होता है जिस हद तक हम भक्ति करते हैं. भक्ति से क्या होता है, भक्ति के द्वारा जो आत्मा है वो और शक्तिशाली बनता है, और फिर जो मन है, मन के जो खास करके बुरे संस्कार है वो और कमज़ोर होते हैं. उस तरह से उनको नियंत्रण करना आसान हो जाता है. कभी कभी ऐसे होता है कि कोई ऑफिस में एक बॉस होता है, उसके अंडर कैसे एक डायरेक्टर होता है, उसके नीचे कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होता है. पर ये मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो इतना इन्फ्लुएंशियल होता है, इतना प्रभावशाली होता है, जो डायरेक्टर होता है हमेशा उनकी बात मान लेता है. तो वैसे क्या है, हम अधिकांश रूप से हमारे मन की बात मान लेते हैं, पर क्या है, जब हम भक्ति करते हैं तो वो मन की जो गलत प्रवृत्तियाँ हैं वो थोड़ी कमज़ोर होती है, और जो आत्मा और शक्तिशाली होता है, और उसके द्वारा फिर हम जो जो मन बोलता है उसकी जांच करके फिर सही कार्य कर सकते हैं. तो सारांश में चर्चा की आज तीन, देखिए कैसे हम हर जगह पे जीवन में उपमाएं इस्तेमाल करते हैं. उपमाओं के द्वारा हम एक दूसरों के हमारे विचार और भावनाएं समझते हैं, और किस प्रकार की उपमा, किस प्रकार की तुलना हम करते हैं उसके द्वारा हम चीज़ की किसी को किस तरह से देख रहे हैं वह भी समझ में आता है. किसी चीज़ को अच्छा बोलना है तो उसकी अच्छी चीज़ से तुलना होती है, बुरा बोलना है तो बुरी चीज़ से तुलना कर देते हैं. तो अभी क्योंकि हमारा अंतरंग जीवन जो है, हमारे अंदर जो क्या होता है वो बहुत सूक्ष्म है, तो उसको समझने के लिए शास्त्रों में कई बार तुलनाएँ की गई हैं. तो ये हम इस तुलना में हम देखा कैसे ये भौतिक जगत को एक राज्य के समान माना गया, और उसमें हमारा शरीर जो है वो एक शहर के समान है. और जैसे कोई शहर या राज्य के बाउंड्री पे सिक्योरिटी होती, कौन अंदर आए कौन अंदर ना आए, उस तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं वो निर्धारित करते हैं कि बाहर से अंदर क्या आएगा, अंदर से बाहर क्या जाएगा. तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय जो है ये विभाजन एक व्यवहारिक रूप पे उस तरह से, जैसे कि एक एयरपोर्ट पे एंट्री और एग्जिट होता है, प्रवेश और निकास होता है, पर ये ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है. कर्मेंद्रियों से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ज्ञानेंद्रियों से भी कर्म हो सकता है, पर ये दोनों जो है मन के आधार पर कार्य कर रहे हैं. और अगर मन हमें गुमराह कर देता है तो मन के ऊपर आत्मा है, पर आत्मा ने मन पे भी विश्वास कर दिया है. जैसे कि किसी व्यक्ति ने अपनी जायदाद की जिम्मेदारी जो है किसी वकील को दे दी, तो अगर वो वकील विश्वास पात्र नहीं है तो ये व्यक्ति फंस जाएगा उसमें. तो उसी तरह से हमारा मन कभी कभी हमसे विश्वासघात करता है, तो इसलिए हमें क्या करना है उसे बचने के लिए, जैसे केवल मन की बात को नहीं सुनना है, हम दूसरे स्रोत, दूसरे स्रोतों से भी हमें ज्ञान प्राप्त करना है. और दूसरा स्रोत जो जिम्मेदार स्रोत है वो है गुरु साधु शास्त्र. जब शास्त्रों से श्रवण करते हैं तो उसके द्वारा न केवल हम मन के साथ देखते हैं पर मन को देखते हैं, मन जो बोल रहा है उसकी जाँच करते हैं, और उसके आधार पर अगर मन सही बोल रहा है तो हम कार्य करते हैं, मन अगर गलत बोलता है तो फिर तभी उसको ना कहते हैं, और इस तरह से हम हमारे जीवन में अग्रसर रह सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. इसी का एक सवाल है. यस, अच्छा, जब ब्रेन वॉशिंग होता है तो फिर बुद्धि से उसका क्या संबंध होता है? कि देखिए, जब किसी व्यक्ति को वो सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से कुछ सुनता है और वही बात बार 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 सुनते रहता है. मैं जब अमेरिका में था तो वहाँ पे एक पाकिस्तानी लड़के से मिला था मैं, और वो बताया था कि जब वो पाकिस्तान में बॉर्डर पे था तो तभी उसको बचपन से उसको सिखाया जा रहा था कि भारतीय लोग बहुत बुरे होते हैं, ऐसा करते वैसा करते वैसा करते वैसा करते, और बचपन से उसको वही सिखाया जाता था. बोले मैं अमेरिका में आया तो जब मैं अमेरिका में रह रहा था, विद्यार्थी था वो, तो मेरा रूम पार्टनर एक भारतीय था. बोला उसके साथ नहीं रहना है मुझे, ये लोग बड़े बुरे होते हैं.
पर फिर बोला वही मुझे अलॉकेट हो गया था, तो फिर वो मैं रहने लग गया। फिर जब से रह रहा था मैं, तभी क्या हुआ, जैसे मैंने उससे बातचीत की, बोले अच्छा व्यक्ति है ये, इतना बुरा क्यों सोच रहा था मैं। तो फिर क्या होता है, जब हम से तो जब एक ही दृष्टि से सब कुछ बार 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 वही सुनते रहते और दूसरी कोई दृष्टि से सुनने का मौका नहीं दिया जाता है, दूसरी कोई दृष्टि से सुनने के बारे में जो होता है उसको गलत बताया जाता है, सुनो ही मत, तो फिर क्या होता है। और ख़ास करके अभी एक दृष्टि सुनना अच्छी बात है, क्योंकि क्या है, अगर हम कुछ विषय को समझना है तो उसको अगर हर एक चीज़ को 10 पहलुओं से पहले ही सुन लेंगे तो हम पूरा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो एक तरह से शिक्षण का मतलब है कि सबसे पहले हम एक पहलू से इसको समझ जाए। तो अभी क्या है, तीन चीज़ें, इंडॉक्ट्रिनेशन, एजुकेशन और कन्फ्यूजन। अभी इंडॉक्ट्रिनेशन मतलब क्या है, आप जो ब्रेन वॉशिंग कह सकते हैं, कि इस एजुकेशन मतलब कि हम शायद एक दूसरे से हमको सिखाया जाएगा, पर एक दूसरे सिखाते समय भी बुद्धि का विकास कराया जाता है, ठीक है, इस तरह से विचार करना चाहिए, इस तरह से विचार कर, ये तर्क होता है, ये तर्क का प्रति, ये इस तर्क का यह जवाब होता है। तो जब हम शिक्षण प्राप्त करते हैं तो उससे न केवल हमारे हमारे कुछ कुछ जानकारी प्राप्त होती है, हमारे कुछ मत निर्धारित होते हैं, पर शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण भेंट क्या है कि विचार करने की क्षमता प्राप्त होती है, मन विचार कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है। तो पर जो इंडॉक्ट्रिनेशन होता है, इंडॉक्ट्रिनेशन ब्रेन वॉशिंग जब होता है तो क्या होता है, तो व्यक्ति को विचार कैसे करना है सिखाया जाता है, उसको विचार क्या करना है सिखाया जाता है, ऐसे ही तुम्हें विचार करना चाहिए। सो टू लर्न व्हाट टू थिंक एंड टू लर्न हाउ टू थिंक। तो क्या है, अगर व्यक्ति को एक ही चीज़ से बोला जाए यही सत्य है और सब कुछ गलत है इसके ऊपर, तो फिर वो ब्रेन वॉशिंग हो जाता है। तो ब्रेन वॉशिंग में क्या होता है कि व्यक्ति के बुद्धि को सिर्फ एक ही ट्रैक पर चलने को बताया जाता है, उसके विपरीत कुछ भी हो तो वो ये दिखावा है, तो ये दिखावा, ये ऐसे है कि ये व्यक्ति सिर्फ इसलिए बोल रहा है कि ये मेरा, ये व्यक्ति बेईमानी है वास्तव में, पर अभी ये विश्वास रूप ऐसे कार्य कर रहा है ताकि मुझे विश्वास हो जाए फिर मेरे साथ बेईमानी करेगा। तो जो भी हमारा विचार है उसके अनुसार ही हम उसके विपरीत कुछ देखते ही नहीं हैं, तो वो ब्रेन वॉशिंग हो जाता है। तो पर एजुकेशन में क्या है, हमको ज़रूर कोई भी व्यक्ति ऐसे कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है, ऑब्जेक्टिव मतलब पूर्ण तरह से कोई भी निरपेक्ष नहीं हो सकता है, पर कोई हर एक व्यक्ति का अपना अपना विचारधारा होती है। तो जब विचारधारा होती है तो पर वो व्यक्ति इस तरह से हमको शिक्षण देता बताता है कि हम भी हमारी बुद्धि विकास कर सके। तो जब इंडॉक्ट्रिनेशन मतलब क्या विचार करो यह पूरा बताया जाता है और वही विचार करता है व्यक्ति, पर एजुकेशन मतलब क्या है, क्या विचार करो ये बताया जाता है, पर उससे महत्वपूर्ण कैसे विचार करना चाहिए ये बताया जाता है। पर कन्फ्यूजन जो होता है, क्या होता है कि व्यक्ति को, अच्छा ये व्यक्ति ऐसा सोचता है, 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 अभी तुम फैसला करो क्या सोचना है तुम्हें, मैं सोचूंगा ही नहीं इसके बारे में, ऐसा हो जाता है। क्या होता है ये अमेरिका में हेल्थ केयर जो होता है उसको हेल्थ केयर कहते हैं, कभी कभी हेल्थ केयर, अभी अमेरिका का बदनामी नहीं कर रही है, पर क्या होता है वहाँ पे भाव होता है कि जहाँ कोई डॉक्टर होते हैं अगर डॉक्टर ने कोई गलत दवाई दे दी तो पेशेंट डॉक्टर को स्यू कर लेते हैं, उसके खिलाफ केस कर देते हैं। तो अभी कुछ कुछ डॉक्टर क्या करते हैं, वो इतना खुद के लिए सेफ कर देते हैं, वो डॉक्टर होते हैं कि देखो तुमको खांसी है, तुमको थोड़ी बीमार, तुमको थोड़ा टेम्परेचर है और तुमको थोड़ी सर्दी है। अभी ये तीन जो लक्षण होते हैं इसका मतलब तुमको ये बीमारी हो सकती है या ये बीमारी हो सकती है या बीमारी हो सकती है। अगर ये बीमारी है तो इसके लिए ये दवाई हो सकती है, ये दवाई हो सकती है, ये दवाई हो सकती है। ये बीमारी है तो इसके लिए दवाई हो सकती है, ये दवाई हो सकती है, ये दवाई हो सकती है। और ये बीमारी है तो इसके लिए दवाई, ये दवाई, ये दवाई हो सकती है। तो अभी इन 9 दवाइयों में से आप क्या चुनना चाहते हो? अभी वो मरीज तो पहले बीमार है, मुझे दवाई चाहिए, दवाई कैसे चुन सकता हूँ? तो क्या है कि अगर बहुत ही हम किसी को पूरा सिर्फ ये दृष्टि, ये दृष्टि, ये दृष्टि बता देंगे तो पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो क्या है, एक तरह से पहले शिक्षण के लिए क्या 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 विचार करना है, कैसे विचार करना है, दोनों सिखाना है। पर अगर कैसे विचार करना है यह सिखाते नहीं है तो फिर वो ब्रेन वॉशिंग होता है। मतलब उसमें क्या है, मन बुद्धि सबको एक ही दृष्टि से विचार करने को बताया जाता है
और कुछ और बताया नहीं जाता, दूसरा सब गलत ही ऐसे बताया जाता है. ठीक है, वी हैव टाइम. ओके, यस प्रभु. हरे कृष्ण, हम ये कहते हैं कि आत्मा ये भौतिक जगत से परे और हमारा जो शरीर है वो भौतिक है. यहाँ के जितने भी दुख है, मतलब मान लीजिए शरीर में कोई पीड़ा होती है, ये सब भौतिक है. तो ये भौतिक पीड़ा आध्यात्मिक आत्मा तक कैसे पहुँचती है, वो कैसे समझ पाता है, उससे इधर अफेक्ट क्यों होता है? तो भौतिक पीड़ा के द्वारा आध्यात्मिक आत्मा क्यों प्रभावित होता है? क्योंकि आत्मा की चेतना अभी शरीर में लगी हुई है. जो आत्मा जो है वह आसक्त है. जैसे कि कोई व्यक्ति टीवी देख रहा है, क्रिकेट मैच देख रहा है, तो अभी क्रिकेट में अगर उसकी चेतना लगी हुई है तो फिर अगर भारत हार जाता है तो बड़ा दुखी हो जाता है, भारत जीत जाता है तो बड़ा सुखी हो जाता है. तो शायद वो क्रिकेट मैच कहीं हो, चलो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा हो, इंग्लैंड में चल रहा हो, वेस्ट इंडीज़ में चल रहा हो, पर क्या है, उसकी चेतना वहाँ पे लगी हुई है. तो उसी तरह से जहाँ पे हमारी चेतना होती है उसके अनुसार हमारे भावनाओं का अनुभव होता है. तो जिस हद तक व्यक्ति क्रिकेट से आसक्त है, अगर क्रिकेट से उसको बहुत सुख मिलता है, जीतने पर बहुत सुख होता है, तो फिर हारने पर दुख भी होगा क्योंकि उसकी चेतना उसमें लग चुकी है. पर अगर वो आसक्त नहीं है तो उसको जीतने में ज़्यादा सुख नहीं होगा और हारने में ज़्यादा दुख नहीं होगा. तो कैसे है कि हमारे लिए जितना हम शरीर से आसक्त होते हैं उतने शरीर से हम हमारी चेतना उसमें और फंस जाती है और सुख और दुख उतना ही तीव्रता से हम अनुभव करते हैं. जितने हम अनासक्त हो जाएंगे उतने हम शरीर के सुख को उतना महत्व नहीं देंगे और शरीर के दुख से भी उतने पीड़ित नहीं होंगे. पर एक तरह से क्यों, जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर है तो शरीर उसके लिए एक उपकरण है और उसके उपकरण में कोई समस्या आ जाएगी तो आत्मा को परेशानी तो होगी ही. तो क्योंकि क्या है कि चेतना और शरीर में है इसलिए वह व्यक्ति को परेशानी होती है. पर क्या है कि अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, यहाँ से अभी कोई कार से यहाँ से बॉम्बे जाने वाला है, तो अगर रास्ते में कार टूट गई तो व्यक्ति को परेशानी तो होगी ही. पर मान लीजिए वो व्यक्ति कि उसने ब्रांड न्यू कार खरीदी, बहुत पैसा खर्च कर दिया, बहुत गर्व है कि ये कार इतनी अच्छी चलती है, और अगर वो कार टूट गई, कार काम नहीं करती, तो उसको और गुस्सा आ जाएगा और क्रोध आ जाएगा और दुख हो जाएगा. तो कैसे है कि जितनी आसक्ति है उतनी ज़्यादा दुख होगा. पर अगर परेशानी होगी तो क्योंकि वो एक बहुत ज़रूरी औजार है हमारे लिए भौतिक जगत में कार्य करने के लिए, तो दुख तो होता ही है. पर जितना हम आध्यात्मिक चेतना में बढ़ते हैं उतना कैसे है कि जो व्यक्ति को कार से बड़ा आसक्त है, उसके कार को ऐसे थोड़े बम्पर को किसी ने थोड़ा धक्का मार दिया तो उसके लिए वो एक हार्ट अटैक जैसे हो जाए, बाप क्या हो गया. पर किसी इतना कार से आसक्त नहीं है तो कार को कुछ धक्का लग गया तो उसको ठीक है, धक्का लगा अच्छी बात नहीं है, कार का टायर पंचर हो गया. तो कार का टायर पंचर होना, अगर जितना आसक्त है उसको लगे जैसे मेरा हाथ ही फ्रैक्चर हो गया है. पर जो कार चला रहा है आसक्त नहीं है, ठीक है, कार का टायर पंचर हो गया है, समस्या है, ये रिप्लेस करना पड़ेगा, कैसे चेंज करना पड़ेगा, कैसे चेंज करूँगा, कहाँ से लाऊँगा, पर क्या है वो इतना बड़ा समस्या नहीं है, इतनी बड़ी समस्या. तो जितनी आसक्ति है उतना हम सुख और दुख दोनों अनुभव करते हैं शरीर के संबंध में. इसे न प्रहरिषेत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य च अप्रियम, स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित ब्रह्मविद ब्रह्मणी. जितना आत्मा आत्मा के ज्ञान में और आत्मा की चेतना में स्थित हो जाता है, आध्यात्मिक चेतना में, उतना क्या होगा, ऐसे नहीं कहते कि भगवान सुख दुख नहीं आएंगे, प्रियम प्राप्य होगा, अप्रियम प्राप्य भी होगा. ये भगवद्गीता 5वां अध्याय 20वां श्लोक है. न प्रहरिषेत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य च अप्रियम. कोई शुद्ध भक्त भी होगा, पूरे आध्यात्मिक चेतना में होगा, तो भी उनके लिए भौतिक स्तर पर कुछ अप्रिय और प्रिय हो सकता है. पर जब अप्रिय होता है तो उसे उदास नहीं रहते पूर्णतया, और जब प्रिय होता है उसे वो कूदने नहीं लगते, स्थिर बुद्धि. दोनों ये भौतिक जगत में आते रहता है द्वंद्व, दोनों के द्वारा, दोनों के होते हुए भी मुझे भगवान की सेवा करते रहिए, वो स्थिरता रहेगी. ठीक, थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की, विदाई गौर प्रेमानंदे.